Hello everyone, welcome to Learnivores. So we are back with new chapter of class 11th biology, that is biological classification. It is the second chapter of your first unit, and we'll be reading about kingdoms, like various kingdoms in this chapter, and we'll be studying in detail about Monera, Protista and Fungi, while we'll be covering Plantain and Amelia in the upcoming videos. And we'll also be learning about viruses, viroids, and lichens. So, without much further ado, let's begin with the first topic, that is overview. So, as we all know, that Aristotle was the earliest to attempt a scientific basis for classification. So, he was the first one, or he was the earliest one, to attempt a scientific basis for classification, but he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs, and animals into those with RBCs and without RBCs. Okay, so Aristotle was the first one or the earliest to attempt a more scientific basis for classification. तो पहले तो हम ऐसे ही मतलब कोई ऐसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते थे, बट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने सबसे पहले शुरू करी थी. उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा था, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी को देखा था, उसके आउटर स्ट्रक्चर, उसकी हाइट, उसका लीव्स, उसके ट्रंक, ट्रीज के केसेस पे उनको चेकआउट किया था फॉर ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. वाइल एनिमल्स के लिए उसने दो ग्रुप्स डिवाइड किए थे, वन हु हैव रेड ब्लड सेल्स एंड द अदर हु डज नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स. ओके, सो ये एरिस्टोटल की लाइन हो गई. इसमें आपको बस ये याद करना है कि ही वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, और उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा था और प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया था, और एनिमल्स को दोज विद आरबीसीज एंड दोज विदाउट आरबीसीज. ओके, देन इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन विद प्लांटेन एनिमिलिया किंगडम्स वर डेवलप्ड. इसमें आप देख रहे हो ना, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. देन आर एच विटेकर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आर एच विटेकर प्रपोज्ड अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो उसने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे जो हम अभी पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया. इसके क्राइटेरियाज याद कर लीजिए, इसमें सिंपल है. देखो, इसके क्राइटेरिया याद करना है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, प्लांट्स को तीन में, एनिमल्स को दो में, देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड देन आर एच विटेकर प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ये किंगडम्स के नाम एंड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन. इसके क्राइटेरिया से सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains. तो एक three domain system develop किया गया जिससे Monera को दो domains में divide किया जाता है, और बाकी जो eukaryotic kingdoms है उसको third domain में, और उससे six kingdom classification बन जाते हैं. तो ये जो Monera था इसको हमने दो domains में divide कर दिया इसमें, ठीक है. Now जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो उसको उसमें तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया था हमने. तो उसमें क्या हुआ था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कि जो सिस्टम था उसने यूकेरियोट्स और प्रोकेरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया. क्योंकि देखो, जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स और यूनिसेलुलर प्लांट्स है उनको एक साथ रख दिया उसने प्लांट्स में, और जो मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एनिमल्स है उनको एक साथ रख दिया. तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में डिवाइड नहीं कर पाया, यूकेरियोट्स प्रोकेरियोट्स में डिवाइड नहीं कर पाया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में डिवाइड नहीं कर पाया. तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि इनएडिक्वेट था. इसके बाद आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है. अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज हमने पढ़ लिए हैं और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है, तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है, इन सब किंगडम्स को. ये हमारे किंगडम्स हो गए, फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटेस्टा, थर्ड इज फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ठीक है. नाउ दिस इज अ टेबल गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप हाथ से लिख के याद कर लो, आपको जल्दी याद हो जाएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा. तो इसमें जो फाइव किंगडम्स थे उनके जो हमने क्राइटेरियाज थे ना क्लासिफिकेशन के, उनको डिटेल में कवर किया है. अब ये देखो, पहला क्राइटेरिया था सेल टाइप,
दूसरा था सेल वॉल, तीसरा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल टाइप इजी है, देखो प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में होता है। हाँ मैंने आपको अभी बताया भी था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाले में कि प्रोकैरियोट्स मोनेरा में होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, सेल वॉल में नॉन सेल्युलोजिक सेल वॉल इसकी है, मोनेरा की। इसमें कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। इसमें काइटिन की होती है तो आप सबको पता ही है, प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है भी आपको पता है, और एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये तो आप बेसिक उससे याद कर लोगे। फिर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें प्रोकैरियोट्स हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों का सेल्यूलर होगा, इसका मल्टी सेलुलर होगा, इसका टिश्यू या ऑर्गन होगा। एनिमिलिया तो आपको पता ही है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, और वो फाइलम्स पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दोनों होंगे, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, केमिकल से सिंथेसिस और लाइट से सिंथेसिस दोनों होंगे, और हेटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों होंगे। फिर है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टर्म है, ठीक है, तो उसमें फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन है। फंजाई का आपको पता ही है, ऑटोट्रॉफिक वो होते नहीं है तो हेटरोट्रॉफिक ही होगा, और उसमें भी सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल्स आपके हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक और सैप्रोफिटिक दोनों होंगे। सैप्रोफिटिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे आपके एनिमल किंगडम में। होलोजोइक होता है जिसमें आप पूरा का पूरा फूड इनगल्फ करते हो, जैसे आप करते हो, और सैप्रोफिटिक होता है जब आप किसी दूसरे उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हो। नाउ व्हाट वाज द इश्यूज विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम, मैंने आपको ब्रीफ में अभी बता ही दिया, तो बाकी हम अभी और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। अब देखो बैक्टीरिया आपके हो गए मोनेरा में, ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, ये भी आपके मोनेरा में आ जाएंगे, फंजाई आपके फंजाई में आएंगे, मॉसेस प्लांट्स में आएंगे, फर्न्स प्लांट्स में आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में आएंगे। बट जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उन्होंने ये मोनेरा वाले ग्रुप्स को और फंजाई को भी प्लांट्स के अंदर रख दिया, जस्ट बिकॉज दे हैड सेल वॉल। तो उनका क्राइटेरिया क्या था, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल अगर है तो प्लांट्स में रख दो, तो इस वजह से सबको प्लांट्स में रख दिया गया था, इसलिए ये इसका पहला ड्रॉबैक है। देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया, जो आपके प्रोकैरियोट्स है, उनको उनने यूकैरियोटिक के साथ रख दिया था। एंड क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक। देखो फंजाई हेटरोट्रॉफिक है तो फंजाई को भी उनने प्लांट्स में रख दिया, बट प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो वो भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। तो इसने सिर्फ वॉल्स कॉम्पोजिशन के बेसिस पे भी नहीं कर पाया। देखो फंजाई की काइटेनस सेल वॉल होती है और प्लांट्स की सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, तो फिर अगेन उसने दोनों को एक साथ रख दिया था। एंड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद जो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम मोनेरा में डाला गया, और जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया, ठीक है, और जो फंजाई थे उनको किंगडम फंजाई में, और जो प्लांट्स थे उनको प्लांट्स में, प्लांटे में, किंगडम प्लांटे में। अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज, बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये इसके इशूज थे अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के। नाउ वी हैव किंगडम मोनेरा एंड इट्स ऑफ टू, इसको हम टू में डिवाइड कर सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ये आपकी जो डायग्राम है ये आपका बैक्टीरिया स्पोर्स का डायग्राम है, जबकि बैक्टीरियाज होते हैं वो इस शेप के होते हैं, कोकस और सर्कुलर, बेसिलाए बेसिलस शेप के होंगे, स्पायरोस्पोरा और स्पायरोलम शेप के होंगे, और विब्रियो कॉमा शेप के होते हैं, इनमें फ्लैजिला होगा, इसमें स्पोर होगा, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। मोनेरा सी, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो होते हैं सिर्फ सिर्फ बैक्टीरिया मोनेरा के अंडर पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपको मिल जाएंगे और नॉर्मल कंडीशंस में भी आपको मिल जाएंगे। तो दे लिव इन, जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो यूबीक्यूटस होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप, जो मैंने अभी बताया था, स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियो एंड स्पायरल स्पिरुलम, और स्पायरलम और स्पायरला। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, जो मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स के थ्रू, मतलब कीमोसिंथेटिक, लाइट के थ्रू नहीं कर रहे, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स के थ्रू कर रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक होंगे। और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, जो अपना फूड लाइट की मदद से सिंथेसाइज करेंगे, और ये तो मैंने आपको बता दिया कीमोसिंथेटिक होते हैं। और वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, दैट इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। नाउ वी हैव आर्किबैक्टीरिया, ये जो होते हैं ना, ये हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे आपके एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज हो गए, उसको क्या कहते हैं हम, हेलोफाइल्स। इनको याद कर लेना, ये जो टर्म्स हैं, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स में जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। और मार्श एरिया मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस तो आपके ल्यूमिनरी गट में भी पाए जाते हैं, काउ की गट पे पाए जाते हैं। ठीक है, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, बायोगैस, जो काउ डंग से बनती है ना आपकी बायोगैस मीथेन, तो उस वो मिथेनोजेंस ही बनाते हैं, क्योंकि वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यू बैक्टीरिया, दे आर द ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, फ्लैजिला होता है। और जो आपका साइनोबैक्टीरिया था, जो आपने पढ़ा था, दे हैव क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, मतलब साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि आपके ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है जनरली, और दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो बेसिक फैक्ट चाहिए तो रटने ही पड़ेंगे आपको। दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती है, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, उसमें उनका रोल होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबेसिलस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एंड सम आर पैथोजेंस। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, और दे प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमेटिव टाइप का होता है, दैट इन्वॉल्व्स डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। तो ये बेसिक सी यू बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप याद कर लेना। देन वी हैव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलैटिनस शीट एंड फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं, जिससे जहाँ पोल्यूशन ज्यादा होता है ना, वहाँ बैक्टीरियाज का प्रोडक्शन हो जाता है ज्यादा, क्योंकि वो जो पोल्यूशन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो पूरे उसमें फैल जाते हैं वाटर बॉडीज में, और ब्लूम्स को प्रोड्यूस करते हैं। इससे जो होता है ऑक्सीजन, जो बीओडी है, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है, एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। जो मैंने अभी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया था, वो कहाँ होता है, हेट्रोसिस्ट में, ये आपका हेट्रोसिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनेबीना। इसमें देखो आपका ये पूरा म्यूसिलेजिनस शीट से प्रोटेक्टेड है, और ये हेट्रोसिस्ट है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम होती है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। द माइकोप्लाज्माज आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट लैक सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन।
दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये आपका पूरा ही पूरा 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा वाला, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग किंगडम प्रोटिस्टा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी कवरिंग किंगडम फंजाई। दैट्स इट फॉर द दिस वीडियो। इफ यू अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।